हड्डी बिल्कुल निकल आई है क्या? नाले में गिरी थी। नाले में मतलब खड्डे में गिर गई? हाँ, खड्डे में गिरी थी। कितनी नीचे थी ये? 20-30 फुट होगी, ज्यादा नहीं। 20-30 फुट? हाँ जी। पता कैसे गिरी थी ये? हाँ। पाइप थी ना, पाइप। हाँ। तो इसका जो गर्दन थी ना वो नीचे थी। हाँ। और इसकी लेग से ऊपर थी। हाँ। तो हम चार बंदे थे, चार बंदे सीधी की जेसीबी के से निकाला, थ्रू से जेसीबी से। जेसीबी से निकाला, क्रेन से निकाला, छोटी जेसीबी। जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ी बहुत तुम इसको ले जाऊंगा वापस, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप इसका करोगे क्या जब वापस ले जाओगे? मैं आपके साथ रहे, मैं उसकी देखभाल करूंगा खुद, जो भी मेरे से होगा मैं उसका करूंगा सब कुछ ही। मैं तो हर बिल्ली गया। फ्रोड है मतलब, जैसे आप देख रहे हैं ना कि झाग जैसी आ रही है, तो हड्डी टूटी हुई है, हड्डी निकली हुई है देखो सामने से। लेकिन सर जॉइंट का फ्रैक्चर है, जॉइंट से ऊपर है। ये वाला जो फ्रैक्चर है ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? जितना एक्सपीरियंस है ना उस हिसाब से नीचे के फ्रैक्चर एक बार फिर भी जुड़ जाते हैं ना। ऊपर का फ्रैक्चर क्योंकि वो टिकता ही नहीं है ना, स्प्लिंट या प्लास्टर कुछ भी, तो वो पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। शाहपुर पॉली क्लिनिक में डॉक्टर अरविंद है ना? ठीक है, अब उनके पास दिखा लो, अगर वो कहते हैं कि चांस है तो हम रख लेंगे। उन्होंने बोला काटने के लिए, बोला तो हम तो काटना नहीं चाहते ना गाय के लोग, हो सकते हो आप भी। फिर तो इसका क्या फ़ायदा बेचारी का, जीने का क्या फ़ायदा फिर? तो पहला तो ये स्वेलिंग है, जब तक ये स्वेलिंग है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी देने होंगे। जख्म से झाग आ रही है तो दैट मीन्स कि इसमें एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन भी है। हम यहाँ पे देखिए वही केस रखते हैं जिसमें कोई रिकवर हो सके, तो कायदे से तो हम ये केस लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकती। सर वहाँ पे केयर नहीं होगी इसको, क्या वहाँ पे लोग ये नहीं जीने देंगे इसको? सर जख्म वहाँ पे कीड़े पड़ जाएंगे साथ में इसको। हाँ। तो और दिक्कत हो जाएगी इसके लिए सर, क्योंकि हम घर पे हमारे साथ दिक्कत ये देखो, हमारे पास लिमिटेड जगह है, हम इसको रखेंगे तो यानी कि जो कोई जानवर है जिसको छोटी मोटी चोट है जिसका हम उपचार कर भी सकते हैं ना, हम उसको नहीं ला पाएंगे, उसकी जगह लेगी। और इसे हमें 100% है कि इसे हम बचा नहीं सकते। अगर मैं कह रहा हूँ ना 50-50 होता है देख लो, तो हम वापस लेके जाएंगे तो बहुत इसको कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रख लो, खाना दे देंगे, पानी दे देंगे, बस थोड़ी बहुत सेवा हो जाए इसकी, और क्या है। बेहोशी की दवाई लगा के रखेंगे, पेन किलर दे के रखेंगे ताकि उसको दर्द कम। कोई नहीं सर, बाकी जो सेवा पानी हम देते हैं आते हैं तो उसको देखने तो आ सकते हैं वैसे। उसकी उम्र की सेवा, कुछ पैसे वगैरह तो कुछ भी दे सकते हैं सेवा की? हम नहीं मांगते पैसे वगैरह, अपने अपने सदस्य देंगे ना इसको सर। मैं कहूँगा पैसे की बजाय ये है कि इस समय हमें हरे घास की दिक्कत है, आप सबके लिए हरा घास कर देंगे। कोई नहीं सर, वो कर देंगे। ठीक है, फिर आपने मिलने आना, आप कल आ जाना, परसों आ जाना, फिर इसको देखने आ जाएंगे फिर ना। ठीक, अब रख लो सर इसको। फिलहाल की जो आर्थिक पॉलिसी है वो गाय की ब्रीडिंग पे तो जोर देती है, पर इस्तेमाल के बाद गाय सड़क पे ना आए इसका कोई इंतजाम नहीं है। जब गाय सड़क पे आ जाती है उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए रिकवरी सेंटर का कोई इंतजाम नहीं है, पर जो गाय एक्सीडेंट में इस तरह घायल हो जाती है कि उसको बचा पाना अब नामुमकिन है, तो उसके चैन से मरने के लिए जगह का इंतजाम तो होना चाहिए। आगे जाने का फायदा नहीं है, यहीं पे गन भर लो, अकेला आदमी जाएगा, भाग जाएगा, देख रहा था। अपने आप जाने दो उसको थोड़ा ना, फिर चलेंगे तो पीछे चलता रहेगा। सर यहाँ तो लगे गन लगे होगा सर, वेन से ऊपर है, थोड़ी ऊपर, पर यार वो गिर तो नहीं गई, कहाँ है? वेन लगी है, लगी है, कीड़े पड़ गए हैं, अंडे तो हैं। ये क्या खून? हम्म, ये कैसे लगी इसको? ये रस्सी बांधी किसी ने ना, वो टाइट हो गई है, रस्सी अंदर ही घुस गई है, रस्सी ऊपर का सारा चीज ऊपर घुस गया। चल जय माता दी। प्लास्टिक वाली है, ये जो हॉल्टर जब ये बचपन में था तब इसको बांधा गया था, और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी और बॉडी साइज बढ़ता गया वो हॉल्टर टाइट होता गया, की वजह से ये पूरा वुंड क्रिएट हो गया। जब हमने एग्जामिन किया तो मैगट वुंड हमें मिला है, नेक वाला एरिया जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड है और नोज के ऊपर वाला। हालांकि देखने पे ऐसा लग नहीं रहा है कि जो इसकी बोन है इफेक्ट हुई है, लेकिन जख्म फिर भी काफी गहरा है। अभी फिलहाल के लिए हमने इसके एंटीबायोटिक्स और पेन किलर इंजेक्शन लगा दिए हैं और ड्रेसिंग भी हमने कर दी है। अब मैं डेयरी वालों की मजबूरी समझता हूँ कि भाई कोई भी धंधा मुनाफे के लिए किया जाता है और बैलों से कोई मुनाफा कैसे कमा सकता है, तो मेरे पास आपके मुनाफे के लिए एक और टिप है। इनको छोड़ने से पहले इनकी मुंह की रस्सी उतार लीजिए, 100-150 रुपए का मुनाफा आपको और हो जाएगा और थोड़ी इनकी परेशानी कम हो जाएगी। दीदी कैसे चल रहा है इसका हीलिंग? काफी बेटर। कितने दिन हो गए यहाँ? 3-4 महीने तो ही गए, ऑलमोस्ट ये ठीक हो गया ना। बस इसको बाल आना बाकी है और ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया, बट पहले बहुत ये था ना इसका। जो उसका बोन था वो बिल्कुल ब्रेन के जैसा दिखता था, इसलिए तो हमने उसका नाम ब्रेन डाल दिया था। वो अच्छी तरह से रिकवर हो गया है। क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो दीदी आप इसको? हमने डोरो
आइवरमेक्टिन के शॉट दिए हैं, एंटीबायोटिक पेन किलर, फिर इसको हमने लोशन लगाया है, फिर हमने इसके ऊपर ग्लिसरीन और गुलाब जल भी लगाया है। स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है ग्लिसरीन और वो गुलाब जल। अगर तुम खुद को भी लगाओ ना सर्दियों में तो देखना तुम्हारी स्किन कितनी बेटर हो जाएगी। जो एक और अमेजिंग रिकवरी हुई वो है बॉक्सर की, जो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि लड़ाई झगड़े के दौरान उसके फेस खास करके उसके कान पे बहुत चोट लग गई थी। ओए तू, चलो चलो जा रहे हो आप घर जा रहे हो अपने। फेस पे मल्टीपल डॉग बाइट्स है, फिर इसका कान में इंजरी था, मैगेट वुंड था, लेकिन अभी पूरा ठीक हो गया है। इसका एंटी रेबीज का 5 डोज भी हो गया है। इसको बड़ी इजीली ऐसे पट करते करते इसका कैना से चेक किया और वहाँ पे वो हल्दी लगा देना, ठीक है। ये बॉक्सर का केट है कैसे के हेलो? हाँ जी, अभी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे क्या बंधा बंधा ना थोड़ा परेशान हो रहा है, इस वजह से हमने डिसाइड किया कि फिर इसको, और हील भी हो चुका है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले पैर में से आप आए थे क्या छोड़ने? तो इसको कड़े से हुआ था ना, कड़ा किसी ने पहनाया था और घाव कड़ा अंदर घस गया था काफी ज्यादा, तो घाव बहुत गहरा था, सड़ गया था जब ये आया था घाव, है ना। घाव बहुत पहले ठीक हो गया था, अभी तो ये चलते फिरते लगा लेता है। जल्दी खोलो भैया। दीदी कितना दिन था भाई साहब हमारे साथ? भैया दिन भी तो काफी महीनों से था। अच्छा अच्छा, भाई साहब यहाँ पे अपने पैर की छोटी सी चोट के लिए आया था और उसकी चोट ठीक होने के बाद भी हमने कोशिश करी कि वो यहीं पे रहे, हमारे बकरों के साथ एडजस्ट हो जाए, पर वो यहाँ पे सबको मारता रहता था, यहाँ से भागने की कोशिश करता था, तो 24 घंटे हमें उसको बांध के रखना पड़ता था। तो हमें बेहतर यही लगा कि भाई जो उसको यहाँ पे लेके आए थे हम वापस भाई साहब को उन्हीं को सौंप दे। अब भाई साहब एक खास तरह का बकरा है जिसे लोग मरने से बचा के मंदिर में चढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि भाई कसाई से बकरा खरीद के भगवान को चढ़ाना श्रद्धा का एक तरीका है, पर जानवरों को ना खाना और जानवरों को खाना खिलाना श्रद्धा के दो और तरीके हैं। नर्वस डैमेज था इसको, ये वायर ट्रैप की वजह से हुआ था, तो उसकी वजह से इसका पीनिस कंटिन्यूसली बाहर ही रहता था, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इसकी सर्जरी करी थी। तो आज हम वो सर्जरी के सूचर रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये अब कम्प्लीटली हील हो चुका है। अभी भी बहुत सही है। अब किसी के भी पीनिस में टांका लगाओ तो उसकी शक्ल ऐसी दिखेगी। खैर ऐसे दर्द के बारे में तो कोई सोचना भी नहीं चाहता, ये कल्पना करना कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी को दर्द में देख के ये ध्यान देना कि भाई किस्मत की बात है कि ऐसा फिलहाल उसके साथ हो रहा है और हमारे साथ नहीं, यही हमें बुरा करने से रोकता है और अच्छा करने के लिए उकसाता है। और ज़िंदगी में कम से कम बुरा करना और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना, यही एक रास्ता आंतरिक शांति के लिए हमारे महापुरुषों ने बताया है। रानी जिसका इंजरीज था, लंपी स्किन डिजीज की वजह से जो लंप होते हैं वो फट गए थे, और राजकुमारी उसकी बेटी का नाम रखा था हमने। बछड़ा तो ठीक था लेकिन जो गाय है उसकी घाव थे, बट अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स थे वहाँ हमने जिंक ऑक्साइड का एक पेस्ट ज़्यादा सेफ्टी के लिए लगा दिया है, और अभी हम इनको रिलीज करने जा रहे हैं। वो अपने किराए पे ही जीप पे छोड़ के गया था, और ये जीप भी उन्होंने अपने आप ही भेजी हुई है वहाँ से। ऐसे लोग चाहिए ना भैया, तभी हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जब रेस्क्यूज यहाँ पे लंबे समय तक बने रहते हैं और इस चक्कर में हम नए रेस्क्यूज को नहीं ला पाते तो लोग हमसे डिसअपॉइंट होते हैं। जब हम रेस्क्यू उसके लिए जितना कर सकते हैं उतना करके फटाफट छोड़ देते हैं तो भी लोग हमसे डिसअपॉइंट होते हैं। तो मुझे ना एक कहानी याद आती है, एक हस्बैंड वाइफ एक गधे के साथ जा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई कितने बेवकूफ़ हैं, गधा साथ में चल रहा है और फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। जब वो दोनों गधे पर चढ़ के जाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कितने निर्दयी हैं कि दोनों के दोनों गधे पर लदे हुए हैं। अब जब वो उतर के अपने कंधे पर गधे को लाद लेते हैं तो लोगों ने उन पर हंसना ही था। तो इससे एक बात समझ में आती है कि भाई लोगों को आप खुश कर लेंगे ये तो सोच ही गलत है, लेकिन इस बारे में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अगले रेस्क्यू के बाद बताता हूँ। कोई इंजरी हुई होगी, कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से नेक के एरिया में सूजन थी काफी ज्यादा, नेक उठा भी नहीं पा रहा था अपना, बट एक हफ्ते के ट्रीटमेंट में अमेजिंग रिकवरी हुआ इसका। अब उतना हाइपर सेंसिटिव भी नहीं है टच के लिए। ये खाना तो खा रहे खूब से, पीछे देखें तेरा एक बार।
किसी का कोई देखने वाला है इसको पपी को? साहिल पशु का सर, हमारा आपसे पॉलिसी लगभग ऐसा है कि भाई अगर कोई कहते कर मोस्टली तो हम जो भी रेस्क्यू लेकर आ रहे हैं अगर पपीज का तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि भाई ट्रीटमेंट के बाद कंप्लीट हीलिंग के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि हमारा क्लिनिक है। चले चले अब कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस हो, चाहे वो लोगों का डिसअपॉइंट होना हो या अडॉप्शंस का स्लो होना हो, उस पर हमारा लिमिटेड कंट्रोल है। पर जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है वो है हमारा एटीट्यूड। भाई अगर मुझे पता है कि एक डिसीजन से मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स की हेल्प कर पाऊँगा, चाहे वो डिसीजन मुझे जैसा मर्जी महसूस कराए या उस डिसीजन के बारे में लोग मुझे भला बुरा कहें, मैं फिर भी वो डिसीजन लूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। अकेला वहाँ पर एक हफ्ता पहले आया था, उसके एब्डोमेन में ट्यूमर है जो कि बर्स्ट हो गया था, प्लस उसमें पस भी थी। उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रहे थे ताकि उसमें क्लीनिंग हो जाए, अच्छी सी इन्फेक्शन चले जाए। अभी आज हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं, उससे पहले हमने उसके सारे पैरामीटर्स चेक किए थे, ब्लड टेस्ट और LFT KFT, और वो सारे नॉर्मल थे। उसके बाद ही हमने सर्जरी का डिसीजन लिया और आज हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं। ये गाड़ी के नीचे आ गया था, इसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है शायद। एक टांग बाहर नहीं ले रहा ना, गाड़ी वाला एक्सीडेंट हुआ है इसका? जो इसके रेस्क्यूअर है उनका कहना था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला है कि इसमें डॉग बाइट है। डॉग बाइट हमें इस वजह से पता लगा क्योंकि इसके चेस्ट पे दांतों के निशान है। इसके मेजर जो वुंड है वो फ्रंट लेग के एल्बो रीजन पे काफी ज्यादा बड़ा वुंड है। अभी हमने वुंड की क्लीनिंग कर दी है, जैसे हमें डॉग बाइट का कंफर्म हुआ है उसके तुरंत बाद ही हमने इसका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी शेड्यूल कर दिया है। इन सब के अलावा इसके एब्डोमिनल रीजन पे काफी ज्यादा बायोडर्मा जैसी कंडीशन भी है, उसके प्रिवेंट करने के लिए हमने एंटी बैक्टीरियल पाउडर अप्लाई कर दिया है। पपी अभी काफी ज्यादा रिलीफ में है, अब हम इसकी डेली क्लीनिंग और ड्रेसिंग कंटिन्यू रखेंगे। पप्पू जो हमारे यहाँ अपने पैर के गहरे घाव के लिए आया था, उसका घाव तो पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन फिर स्टरलाइजेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसने यहाँ पे कुछ महीने और काटे। इतना लंबा समय अस्पताल में बिताने के कारण उसके शरीर में ब्लड पैरासाइट हो गए, जिससे उसका लिवर इम्पैक्ट हो गया। पर अच्छी खबर ये है कि हमारे डॉक्टर दवाइयों से उसके लिवर को वापस रिस्टोर कर पाए और पप्पू अब रिलीज हो गया है। जो एक और गाय है जिसको ब्लड पैरासाइट हुए, वो है सहारा, जो हमारी रेजिडेंट गाय है, और उसका भी लिवर दवाइयों से ठीक हो गया। देवयानी जो हमारी एक और रेजिडेंट गाय है, वो इतनी लकी नहीं थी और उसको हम नहीं बचा पाए। एक और गाय जिसको हम नहीं बचा पाए वो है बबली की माँ, जिसका पैर पूरी तरह टूटा हुआ था और इन्फेक्शन से वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और अब हमें चिंता है बबली की।